पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुतिन पर सख्त टिप्पणी। पुतिन हमेशा से एक क्रूर इंसान रहे हैं, ये बराक ओबामा ने कहा है। जिसे भी खतरा समझते हैं उसे कुचल देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। आगे वो कहते हैं कि यूक्रेन में दिख रही है उनकी यानी पुतिन की क्रूर सोच। देखिए बहुत बड़ा बयान बराक ओबामा की ओर से दिया गया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्रूर बताया है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि पुतिन को जो भी नापसंद आता है उसे वो कुचल डालते हैं। और आइए अब देखते हैं कि ओबामा की नजर में पुतिन किस तरह के इंसान है, उनकी सोच कैसी है, क्या बड़ा बयान बराक ओबामा की ओर से आया है पुतिन को लेकर के। सबसे पहले वो कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो एक क्रूर इंसान है। आगे वो कहते हैं कि पुतिन दुश्मनों को कुचल देने वाले इंसान है। फिर जब स्टेटमेंट उनका दिया जाता है तो आगे व्लादिमीर पुतिन को लेकर वो कहते हैं कि 5 साल पहले मुझे ऐसे नहीं लगे पुतिन, यानी व्लादिमीर पुतिन 5 साल पहले ठीक थे लेकिन अब वो एक क्रूर इंसान है बराक ओबामा की नजर में। चेचन्या में दिखी थी पुतिन की फितरत, यूक्रेन में अब दिख रही है वही फितरत। साथ ही बराक ओबामा ने कहा है कि बढ़ती उम्र की वजह से भी पुतिन की ये क्रूरता बढ़ गई है, कोविड आइसोलेशन की वजह से भी उनका ये बदलाव संभव है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा और उन्होंने रूस यूक्रेन जंग पर जब सवाल किया गया तो व्लादिमीर पुतिन को लेकर के ये बड़ी बातें कही है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।